तो माय डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी आई होप बहुत अच्छे होंगे आपकी प्रिपरेशन फाइनल स्टेप पे चल रही होगी आज हम बात करने वाले हैं क्लास टेन मैथमेटिक्स के बारे में कि अगर मैथ्स में आपको डर लग रहा है बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि हमें मैथ्स में डर लग रहा है पास होने के लिए तो हम कितना कर लें या कितने चैप्टर्स कर लें मिनिमम कि हम पास हो जाए या पास होने की जो बॉर्डर लाइन है उसका हमारा डर खत्म हो जाए सो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उन बच्चों की जिनको बहुत ज्यादा डर लग रहा है ओके और यहाँ पे ये जो कंटेंट है ये सभी बच्चों के लिए जिन्हें पास होना है उन्हें भी ये करना है जो एवरेज है उन्हें भी ये करना है जिन्हें टॉप करना है उन्हें भी ये करना है क्योंकि ये जो मैथ्स का मस्ट डू कंटेंट है क्लास ये आपके क्यू को ध्यान में रख के ही बनाया गया है और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो सी बी बार बार पूछता है इसमें वही सारा कंटेंट कवर uh, किया गया है जो आपका डिलीटेड पोर्शन है वो इसमें से रिमूव कर दिया गया है जिससे आपको कोई भी इशू ना हो साथ में इसमें आपको सैम्पल पेपर भी दिया हुआ है अटैच करके आपको सिलेबस भी डिफाइन किया हुआ है और आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया हुआ है टारगेट सिलेबस क्या है डिलेटेड पोर्शन क्या है सब कुछ इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल क्वेश्चन के सॉल्व करके बताए हुए हैं और आपको अनसॉल्व कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए तो अगर आप इसे कर लेते हैं तो आप बहुत हद तक अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर लेंगे बहुत कम कंटेंट पे बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर लेंगे तो जब आपका प्रिपरेशन हो जाए तो आपको इसके क्वेश्चन एक बार ज़रूर सॉल्व करने हैं ओके okay? और जिन बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो वो बस इसी को कर लें और कुछ करने की उन्हें ज़रूरत नहीं है तो सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जिनका पूरा माइंड ब्लैंक हो चुका है जिन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें और वो बहुत ज़्यादा मैथ्स में इंटरेस्टेड भी नहीं है और यहाँ पर जो टॉपिक्स बताए जाएंगे वो बेसिक वालों के लिए भी है एज वेल एज़ स्टैंडर्ड वालों के लिए भी है दोनों ही बच्चों को सेम टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बस स्टैंडर्ड में थोड़ा सा जो लेबल होता है डिफिकल्ट हो जाता है और बेसिक में थोड़ा सा ईजी

कंस्ट्रक्शन एंड सर्कल ये दोनों मिला के आपके नाइन मार्क्स हैं जहाँ पे आपका फोर टू फाइव मार्क का एक क्वेश्चन तो कंस्ट्रक्शन से ही आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री विच इज चैप्टर नाइन अकेला सेवन मार्क्स का है और बहुत सिंपल चैप्टर है ठीक है एप्लीकेशन ऑफ प्रेग्रोमेट्री एन में केवल एक ही एक्सरसाइज है और उसी में से डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है बहुत ज़्यादा इसमें ट्विस्ट एंड टर्न नहीं किया जाता सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की अगर हम बात करें विच इज़ सिक्स मार्क ओके सिक्स मार्क्स का है थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है तो इसे अगर आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं स्टार्ट आपका कितना है एट मार्क्स का है जहाँ पे आपका एक ही चैप्टर है चैप्टर फोर्टीन मीन मीडियन मोड जहाँ पे मीन का केवल एक ही मैथड सिंपल आ रहा है मोड का भी एक मैथड एंड मीडियन का भी एक मैथड तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है अब हम उन बच्चों की बात करें जिन्हें मिनिमम करके पास होना है ऐसे बच्चे जिनको केवल पास होना है उन्हें डर लग रहा है तो देखिए फोर्टी में से आपको कितने मार्क्स चाहिए फोर्टी में से आपको चाहिए फोर्टीन थर्टीन पॉइंट नाइन नाइन चाहिए दैट मीन आप फोर्टीन सेफ होंगे अगर आप चालीस में से फोर्टी में से फोर्टीन ले आते हैं दैट मीन आप पास हो जाएंगे ओके बहुत ही क्लियर कट तो फोर्टीन लाने के लिए आपको क्या करना है एक तो आपको करना है एप्लीकेशन ऑफ टिक्नोमेट्री यानी कि विच इज चैप्टर जो आपका सेवन मार्क्स का है ये आपका है चैप्टर नाइन और आपका यहाँ पे चैप्टर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रोग्रेशन ये है आपका चैप्टर तो आपको मैं दो चॉइस दे रही हूँ जिन बच्चों को केवल पास होना है चैप्टर फोर फाइव एंड नाइन इन तीन चैप्टर को कर लीजिए यहाँ पे ये यह टेन मार्क्स का है ये सेवन मार्क्स का है सत्रह नंबर आपकी मुठ्ठी में होंगे फोर्टीन आपको पास होने के लिए चाहिए सत्रह बहुत ही अच्छा स्कोर हो जाएगा फोर्टी में से और आप बहुत ही आसानी से पास हो लेंगे आपको सारे चैप्टर करने की जरूरत नहीं केवल तीन चैप्टर अगर आप इस जो मटेरियल है इससे भी अच्छे से कर लेते हैं तो भी आप क्लियर कट पास हो जाएंगे चैप्टर कौन कौन से दोबारा से नोट कर सकते हैं फोर फाइव एंड चैप्टर नाइन ये दोनों टेन मार्क्स के हैं ये सेवन सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या है कि एक आप चैप्टर सेवन कर लीजिए चैप्टर नाइन कर लीजिए जो सेवन मार्क्स का है एप्लीकेशन ऑफ टिक्नोमेट्री एंड सेकेंड वन स्टैट्स यानी कि ये है हमारा चैप्टर फोर्टीन एनसीईआरटी में ये सेवन का है ये एट का है इन दोनों को मिला के आपको मिल जाएंगे फिफ्टीन मार्क्स तो अगर आप बहुत कम करके सिर्फ पास होना चाहते हैं तो आप चैप्टर नाइन एंड फोर्टीन ये दो चैप्टर का पेयर कर लीजिए और आप बहुत ही आसानी से पास हो जाएंगे सेफ होने के लिए आप किसी और चैप्टर का हल्का फुल्का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे दो चैप्टर अच्छे से क्लियर कट कर लेंगे तो भी आप लोग पास हो जाएंगे तो यहां से आप जिन बच्चों को पास होने का डर लग रहा है वो खत्म हो जाता है अब बात करते हैं एवरेज स्टूडेंट की जिनको अच्छा स्कोर करना है तो उनको मैं सजेस्ट करूंगी ये चैप्टर करेंगे ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी चैप्टर फोर फाइव टेन मार्क्स आपके यहाँ से बन जाएंगे एक आप करेंगे स्टैट्स यहाँ से आपको एट मार्क्स मिल जाएंगे फोर्टीन चैप्टर है ये एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री यहाँ से आपको सेवन चैप्टर सेवन मार्क्स का है चैप्टर नाइन है ये चैप्टर्स अगर आप कर लेते हैं तो मोटे मोटे मार्क्स आपकी मुठ्ठी में होंगे इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप कंस्ट्रक्शन करिए वहाँ से सीधा एक क्वेश्चन आएगा ड्रॉ करने का ओके और जो आपका ये है ना सर्फेस एंड वॉल्यूम यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज पड़ेंगे आएगा से, लेकिन इसे आप बाद में कम करके ज्यादा स्कोर करने का टारगेट करना है तो ये हो गया जो आपको डर निकाल देगा अब यहां पे देखिए आपका टारगेट सिलेबस बता रखा है एंड रिलेटेड टॉपिक्स भी बता रखा है अगर आपने नोट नहीं किया था अब यहाँ पे देखिए आपको इस कंटेंट में इस मटेरियल में कैसे समझाया हुआ है पहले आपको जो बेसिक थोड़ा सा ज़ूम कर लेंगे जो बेसिक एप्लीकेशनस है बेसिक बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं चैप्टर के वो एक्सप्लेन किए हुए पहले टाइप्स ऑफ uh, हमारी जो डिग्री होती है इक्वेशन में लाइक दिस इक्वेशन जहाँ पे एक्स की पावर वन है इसको हम क्या बोलते हैं लीनियर इक्वेशन बोलते हैं क्वारेटिक इक्वेशन दैट मीन एक्स की पावर टू क्यूबिक दैट मीन एक्स की पावर मैक्सिमम कितनी है थ्री इसके बाद इस चैप्टर को जो शुरुआत होती है वो होती है क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी यहाँ पे अगर आपके पास कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सो इसको आप पहले कैसे सॉल्व करते थे मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करते थे पर वो हमेशा काम नहीं आता क्योंकि वो छोटी क्लास में एक बेसिक आपको सिखा दिया स्टैंडर्ड अगर आपको कोई भी इक्वेशन सॉल्व करनी हो तो ये इक्वेशन हमेशा आपको काम आएगा यहाँ पर फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी 2a टू ए इस फॉर्मूले से आपको कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में दी होगी आपको इस फॉर्मूले से पहले सॉल्व करना है इसके बाद रूट चेक करना है किस तरह के रूट सबसे पहले जब हम फॉर्मूले के अंदर जो ये है हमारा बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इसको हम डी बोलते हैं तो सबसे पहले हमें डी को सॉल्व कर लेना होता है और यहाँ से हमें पता चल जाता है कि नेचर ऑफ रूट यानी जो हमारे पास दो रूट आएंगे वो कैसे आएंगे अगर ये वैल्यू लेस देन ज़ीरो होती है तो पॉजिटिव आता है इक्वल टू ज़ीरो होती है तो जीरो वैल्यू आती है ग्रेटर देन ज़ीरो देन नेगेटिव वैल्यू आता है तो ये फॉर्मूला एंड ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए अब क्वेश्चन कैसे आता है यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द रूट ऑफ गिवन पॉजिटिव इक्वेशन ओके क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे सिंपल आपने फॉर्मूला लगाया d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए हमेशा बच्चों को पहले ये सॉल्व कर लेना चाहिए इससे आपको d की कंडीशन पता चल जाएगी कि आगे आपको सॉल्व करना है या नहीं करना है इसके बाद आपको दो रूट्स मिल जाएंगे और आपके पास दो वैल्यू फटाफट से आ जाएंगी ओके okay, तो यहाँ पे वो क्वेश्चन दिए हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी क्वेश्चन हम जिन्हें कहेंगे चैप्टर चैप्टर में बहुत ज़्यादा आपके डिफिकल्ट नहीं आते हैं सिंपल सिंपल चीजें करनी है आपको इसके बाद एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे भी, भी आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं एक तो एंथ टर्म इसके बाद एंथ टर्म ठीक है एंथ टर्म का फॉर्मूला आना चाहिए और लगाना आना चाहिए सम ऑफ एंथ टर्म और यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैक्सिम आपके क्वेश्चन बनते हैं कि आपको एक एक कंडीशन दे दी कि सेवनटीन्थ टर्म इज दिस फिफ्टीन्थ टर्म इज दिस एंड यू हैव टू फाइंड अनदर टर्म ओके तो आपको यहाँ पे दो इक्वेशन फॉर्म करनी होती हैं दोनों को आपस में सॉल्व करना होता है और इसके बाद आपको पास ए और एन में से एक वैल्यू होती है एक फाइन करके आप आ, जो भी वो वैल्यू बोलता है वो आपको फाइंड करनी होती है अब देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला दे दिया एंथ टर्म का क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन डी ओके सिंपल इसमें तीन फॉर्मूले हैं और तीन फॉर्मूले में पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है

इस टाइप का क्वेश्चन आता है इन ए पी ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी वन विच टर्म इज़ ज़ीरो कि कौन सी टर्म इसकी जीरो होगी इस तरीके का क्वेश्चन आता है इसको आप वीवीआई बोल सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई बार सी बार पूछता है या फिर आपसे सम पूछेगा या फिर जहाँ पे आपको कंडीशन बनेगी अब देखिए यहाँ पे जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दी ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे गए हैं लाइक like, जैसा मैंने आपसे पूछा बोला कि जीरो कहाँ पे होगी वैल्यू ओके फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एपी पी यहाँ पे बोल रहा है मिडल टर्म यहाँ पे आपको लास्ट टर्म दे दी है ठीक है लास्ट टर्म अगर दे देते हैं तो हमारे पास एक और फॉर्मूला हो जाता है और अब आपसे पूछ रहा है ये कंडीशन और इसके अलावा आपसे कॉमन डिफरेंस ए पी में सारी चीज़ें दे सकता है और बोले कि डी फाइंड करके बताइए तो ये जो क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन आपको एन सी आर टी में मिल जाएंगे ये आपको जरूर सॉल्व करने हैं और जब आप इन्हें प्रैक्टिस करें तो यहाँ पे आपको इनके आंसर्स भी मिल जाएंगे इसके बाद हमारा चैप्टर आ जाता है सर्कल सर्कल में आपको थ्योरम करनी है तीन चार आपकी थ्योरम है इंपॉर्टेंट वो थ्योरम यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है थ्योरम आपको इसी तरीके से एग्जाम में पूछेगा स्टेटमेंट लिख के दे देगा थ्योरम में आपको डायग्राम खुद बनाना पड़ेगा गिवन लिखेंगे टू प्रूफ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन लिखेंगे प्रूफ लिखेंगे अगर ये क्वेश्चन आपका थ्री मार्क में आया है तो यहाँ पे आपका हाफ मार्क डाइग्राम का होगा हाफ मार्क गिवन का होगा हाफ मार्क टू प्रूफ का होगा इस तरीके से सभी चीजों के मार्क्स डिवाइड होते हैं एंड वन एंड द हाफ मार्क आपका प्रूफ करने का होता है तो जो भी क्वेश्चन आपका थ्योरम आता है या प्रूफ वाला क्वेश्चन आता है वहाँ पे आपको स्टेप बाय मार्किंग दी जाती है ठीक है तो यहाँ पे आपको ये एज इट इज इसमें थ्योरम में आपको बस प्रूफ अच्छे से समझ लेना है इसमें बहुत ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की चीज़ नहीं है सिंपल प्रूफ आपको समझ लेना है बेसिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो आप जानते हो कोई भी ट्रायंगल है तो सम ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री ठीक है सम ऑफ एंगल ऑफ कॉर्डिलेटर थर्टी सिक्सटी थ्री सिक्सटी डिग्री होता है यहाँ पे जो एंगल्स uh, जो हमारे कॉर्ड बनाते हैं वो कितना फॉर्म करते हैं तो ये जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं बस उन सबको लगा के आपको टेंथ में ये सारी चीज़ें एक साथ सॉल्व करनी होती हैं अब यहाँ पर आपको ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए अब यहाँ पर चार या पाँच ही क्वेश्चन दिए होंगे लेकिन वो क्वेश्चन है जो वी वी आई है और ये क्वेश्चन आपको एन सी आर टी में या तो एग्जाम्पल में या आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे और इनके आंसर भी दी हैं सो so, ये आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे कंस्ट्रक्शन की बात करें तो देखिए कंस्ट्रक्शन में आपकी एक ही एक्सरसाइज आ रही है विच इज 11.2 ओके 11.2 जो आपके सर्कल वाले कंस्ट्रक्शन है वही वाले आपको करने हैं सिंपल लाइन सेगमेंट क्या होती है सिंपल हमने लाइन खींच दी ये पॉइंट ए ये बी हमारी लाइन सेगमेंट है इसके बाद आपको यहाँ पे किस तरीके से इसको ड्रॉ करना है ये आपको बता रखा है कि सबसे पहले आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और जो भी आप कंस्ट्रक्शन करते हो उसका आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना होता है तभी आपको फुल मार्किंग मिलता है अब यहाँ पे इसको ड्रॉ कैसे कर सकते हैं यहाँ पे आपने सिक्सटी बनाया तो यहाँ पे भी इसका रिवर्स सिक्सटी बनाएंगे ओके okay, इनको ज्वाइन करेंगे इक्वल पार्टीशन करेंगे सो दैट यू फाइंड थ्री इज टू फोर रेशो इसको ड्रॉ करने के अलग अलग तरीके होते हैं आपको जो पसंद आए आप उस तरीके से फॉर्मेट में कर सकते हैं आप चाहे तो ये वाला फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं एंड आप चाहे तो इधर हम बनाते हैं इस तरीके से ये वाला फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं सेम रेशो हमें बनाना होता है पर जो आपके ज्यादातर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे सर्कल बेस्ड तो आपको जो 11.2 है ये वाले क्वेश्चन है इनको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है लाइक like दैट ये क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछे जाएंगे इसमें भी आपको बस एक्सरसाइज ही सॉल्व करनी है क्योंकि एक्सरसाइज से ही ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चन आ जाएंगे इसके बाद हमारा है स्टैट्स स्टैट्स में देख लीजिए यहाँ पे देखिए मीन के आपके बुक में थ्री मेथड्स करवाए हैं लेकिन आपको डायरेक्ट मीन मेथड करना है ठीक है डायरेक्ट मीन मेथड मीडियन एंड मोड इसके बाद मीन क्या होता है सम ऑफ जो आपका एक्स आई है और नंबर ऑफ टर्म्स इसके बाद मीडियन मीडियन में आपको सॉल्व करना है मीडियन का एक ही फॉर्मूला है यहाँ पे क्या क्या होता है ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए और मोड का एक फार्मूला है तीनों फार्मूला बेस है इस चैप्टर में कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती आपको एक डाटा दिया होता है उस डाटा को एक आपको न्यू टेबल बना के अरेंज करना होता है मीन मीडियन मोड जो भी निकालना है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना जो मॉडल क्लास है या अ, मीडियन क्लास है वो सेलेक्ट करना होता है देन आपको वैल्यू फार्मूले में पुट करनी होती है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है दैट्स इट और यह अकेला चैप्टर एट मार्क का है तो ये चैप्टर आप किसी भी कीमत पे छोड़ नहीं सकते ना इसमें कोई भी गलती कर सकते हैं, okay, so इसके यहाँ पे आपको दे हैं। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से लगा लेने हैं अच्छे से प्रैक्टिस करने इसमें आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पे हाथ की आपकी कैलकुलेशन चेक होगी आप कितनी अच्छे से कैलकुलेट कर पाते हो वही इस चैप्टर में आपका चेक होना है बाकी इसमें कुछ भी नहीं है इसके बाद देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये मैं बच्चों को सजेस्ट करूंगी कि ये आप सबसे एंड में करिए यहाँ पे आपको फार्मूला शीट दी हुई है सो आप फॉर्मूले सारे रिवाइज कर लेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है क्योंकि क्लास नाइन्थ में आप पढ़ के आए हैं बट यहाँ पे आपको वो सारे फॉर्मूले बुक में नहीं दिए हैं तो वॉल्यूम क्या होता है लेटरल सर्फेस एरिया क्या है टोटल सर्फेस एरिया क्या है सारे फॉर्मूले आपको विद डायग्राम समझा रखे हैं आपको पहले फार्मूला को रिवाइज करना है इसके बाद आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो यहाँ पे दिए हैं अगर आप एनसीआर नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं वो क्वेश्चन कर लीजिए क्वेश्चन सीधा -सीधा पर बच्चों को ये बहुत लगता है, या लगता है, बहुत तो भी उसे टैकल नहीं कर पाते तो आप थोड़ा इस तरीके से इसको देख के जाइए कि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आपके पास नीचे एक हेमिसफेयर है इसके ऊपर एक कोन रखा है अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसका वॉल्यूम निकालिए या कर् सर्फिस एरिया निकालिए तो आपको इसका एरिया एंड इसका एरिया ऐड करना होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कुछ चीजें आपको दियूंगी कुछ नहीं दियूंगी तो आपको चेक करना होगा जो इसका रेडियस होगा वही इसका रेडियस होगा इस तरह के क्वेश्चन आपको एक बार देख लेने हैं प्रैक्टिस कर लेने हैं ठीक है थीके? तो ये है आपका कंप्लीट जो पूरा चैप्टर है ये मैं आपको शेयर कर दूंगी यहाँ से आप लोग इस इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व कर ले और जिन बच्चों को पास होने के लिए डर लग रहा है उनको क्या करना है स्टैट्स करना है यानी चैप्टर फोर्टीन करना है एंड चैप्टर नाइन करना है ये दोनों चैप्टर आप कर लेंगे अच्छे से पास हो जाएंगे या फिर चैप्टर फोर फाइव एंड चैप्टर नाइन कर लेंगे तो भी आप पास हो जाएंगे और बाकी आपको ये कंटेंट तो ज़रूर करना है